जय श्री श्याम भाइयों। एक बार भाइयों एक संत महात्मा बाबा जी थे भाई। अपना पूरा टाइम करके उन्होंने जो है अपना चोला छोड़ दिया और वो भाई चले गए। जब प्राण छोड़े, जब जाने लगे, जब रास्ता में भाई किसी किसान की जो है गेहूं की बैल उसके पैर रंग उठा के बीच में फंस गई भाई, नहीं देना पड़ा और परमात्मा के घर पहुंच गए। पहुंच गए तो वहां पे शी लगी भाई उनकी। तो बोला, महाराज मैंने किसी का बुरा नहीं कराया, नेक नीति तक कमाया हूँ, खाया हूँ, हरि भजन कराया है, किसी का कोई बुरा नहीं कराया। उसका रिकॉर्ड पोथा खोल कर देखा, बोले हाँ भाई तने ठीक कर, तने किसी का बुरा नहीं कराया, पर आता आता तो बुरा कराया। तने एक किसान की जो गेहूं की बाल तोड़ के जो ही भीतर पैर के अंगूठे मर नीचे देख उंगली के बीच में फंस रही है, भले या तो यो कर्जा तेना चुकाना पड़ेगा उसका और अपनी कांध तक चुकाना पड़ेगा। भले ठीक है प्रभु, आप या चाहो तो मैंने यो भी मंजूर है। तो भाई भले गाय का तने बछड़े के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी कांध तक चुकाई। तो भाई भेज दिया भाई, किसान का गाय थी उसका बछड़े के रूप में पैदा हो गया। पैदा हो गया था भाई, वो जो किसान था वह दो भाई थे, दोनों अलग अलग हो रही थी। और भाई जो घर था वो घर के बीच के नीची दीवार थी भाई, खेती बाड़ी कराया करते दोनों भाई अपने खेत में से ले जा। तो भाई के करे बा किसान की घर बाड़ी, अब जब वह खेत में से ले जाऊं, जब पाछे थे एक परात उगे ठेका जिसमें गेहूं डाल ले रहा हूं, वो ठेका मा देख परात गे वहां की भरे और भाई दीवार ने फाइन दिखे ने कूद गए और घर ले जाए। भाई एक दिन तो बोल लिया कोई नहीं, वो देख कर चुप रहे यार। भाई अगला दिन फिर उसका तो वही काम, सब खेत में से ले जा टाइम लावे, अरे भाई ठेका माता भरा परात गेहूं की और देवार ने कूद कर फट दिन ले जाओ घर। तो बासड़ा बोल लिया भाई, भले हे परमात्मा एक बैल की सजा यह मिल रही है कि मेरा कांध तो चुकानी पड़ेगी, या तो परात भर भर लीजिए या क्यों कर चुकाओगे। भाई बीरबानी सो कर देने घूम के देखा कौन बोल रहा, उसका भी नजर में ना पड़ी अभी कौन बोल रहे से। बोले बड़ा माँ हो गया होगा, कोई बात ना चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर भर के जब अदवार ने कूदन लाग गई, जब फिर बोल लिया, बोले ये परमात्मा एक बैल की सजा जो कांध तक चुकाना तैयार है हूँ, या तो परायत भर भर लीजिए क्यों कर चुकाओगे। उन्हें देखा भाई बौसड़ा बोल रहा था, तू भाई घराड़ा उसका अड़बान लग गया, रोटी लेके गई। बोले सुने सतना जी एक बात बताऊं, बोले कि बोले अपना तो बासड़ा बोल रहे है माणस की आवाज में, है पागल हो रही है तू, कदे ऐसा हो गया करे। बोले हाँ झूठ नहीं बोलती मैं, बोले सच्ची बात बताऊं, बोले मैं न्यू तेरा भाई कहते हैं मौका लाए कहने ठीक काम आते गेहूँ काट ली जानती, और गेहूँ काट के जिस भी मैं पहुंची करा, जब बोल लिया बोले एक बैल की सजा मैं कांध तक चुकाऊंगा, तो यह पराया तो मेरे के लिए जी है क्यों कर चुकाओगी। बोले अच्छा भाई, वो किसान घर आ गया, घर आ गया बासड़ा धोरे बैठ के और बोलिया भाई मैं नहीं जानता तने कौन है तू और क्यों आया है, लेकिन अगर मैं तेरा कर्जा मांगू हूं ना, तो तना आज मैं अपने कर्जा था मुक्त कर गया हूं। भाई न्यू कहती शायद उस बासड़ा ने प्राण त्याग दिए। तो भाई कदे कोई ये सोचता हो खेरा फेरी करके दूसरा का धन ऐठ लिया, खा लिया, पी लिया, नहीं वो उसके रिकॉर्ड में तो लिखे जा रहा है भाई, तो वो तो चुकाना पड़ेगा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने, कभी न कभी तो चुकाना पड़ेगा। तो ये भाई छोटी सी कहानी है, इसके ऊपर अमल करना है। ठीक है, जय श्री श्याम दोस्तों।